हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 7 कंप्लीट कर लिया था, वेदर क्लाइमेट एंड अडाप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट, और हमने बैक एक्सरसाइजेज भी कर ली थी लास्ट लेक्चर में। सो आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी आपने वो लेक्चर में नहीं देखा हो, कुछ भी मिस हो गया हो, तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पूरे चैप्टर का प्लेलिस्ट डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। और इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को क्लिक मत करना मत भूलिएगा। तो आज हम चैप्टर 8 करने वाले हैं, जो कि है विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। और ये वाला भी जो चैप्टर है वो एक बहुत इंटरेस्टिंग है चैप्टर, बहुत ईजी भी है, पर इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है। सो आइए देखते हैं कि इसमें क्या है। तो सबसे पहले आपकी जो बुक में एनसीईआरटी में है, ये उड़ीसा के साइक्लोन के बारे में, जिसको जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पर पहले ही स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि डेफिनेटली एग्जाम्स में आता है। क्योंकि इसमें जो इसकी डेट्स हैं, इसकी कौन सी स्पीड से वो विंड ट्रैवल करी थी, कितने लोग होमलेस हुए थे, ये सब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखते आइए क्या है। सो इसमें उड़ीसा वॉज हिट बाई अ साइक्लोन विद विंड स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर और 18 अक्टूबर 1999। तो कब हुआ था ये? 18 अक्टूबर 1999। एंड द साइक्लोन स्मैश 45,000 हाउसेस, मेकिंग 7 लाख पीपल होमलेस। ऑन 29 अक्टूबर द सेम ईयर अ सेकेंड साइक्लोन विद विंड स्पीड ऑफ 260 किलोमीटर पर आवर हिट उड़ीसा अगेन। इट वॉज अकम्पनीड बाई वाटर वेव्स अबाउट 9 मीटर हाई। थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइफ। प्रॉपर्टी वर्थ करोड़ ऑफ रुपीज वॉज डिस्ट्रॉयड एंड द साइक्लोन अफेक्टेड एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। सो इसमें बेसिकली क्या था कि जो उड़ीसा में, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आ सकता है एग्जाम में, कैसे भी करके फिलअप्स में भी आएगा, क्वेश्चन आंसर्स में भी आ सकता है। सो इसमें क्या है, जो उड़ीसा था उसको फर्स्टली पहले 18 अक्टूबर, कब हुआ था? 18 अक्टूबर 1999 में पहला साइक्लोन ने हिट करा था, जिसकी वजह से 45,000 हाउसेस डिस्ट्रॉय हुए थे, जिसकी वजह से 7 लाख पीपल होमलेस हो गए थे। और दूसरा मतलब ये भी फिलअप आ सकते हैं कि हाउ मेनी साइक्लोन्स हिट उड़ीसा इन 1999। सो बेसिकली दो साइक्लोन्स ने करा था, जो कि थे एक 18 अक्टूबर में था और एक 29 अक्टूबर सेम ईयर में, ठीक है। सो इसमें क्या हुआ था, अब जो दूसरा साइक्लोन था वो इससे भी ज्यादा डेडली था, इससे भी ज्यादा खतरनाक था। उसमें जो विंड स्पीड थी वो 260 किलोमीटर पर आवर की थी, जबकि जो पहले वाले में थी सिर्फ 200 किलोमीटर थी। सो आप जान सकते कि 260% ज्यादा बढ़ गया तो कितने हाई हो गया। एंड इट वॉज अकम्पनी, मतलब उसके साथ साथ वाटर वेव्स भी थी, मतलब पहले वाले में सिर्फ साइक्लोन था पर दूसरे वाले में वाटर वेव्स भी थी, जो थी 9 मीटर हाई, जो कि बहुत हाई होता है। तो यही चीज है कि पहले और फर्स्ट और सेकेंड में क्या डिफरेंस था, कि जो फर्स्ट साइक्लोन था उसमें सिर्फ साइक्लोन था जिसकी विंड स्पीड सिर्फ 200 किलोमीटर पर आवर थी, पर जो सेकेंड वाला था वो उससे ज्यादा खतरनाक था, जो उसकी विंड स्पीड थी वो 260 किलोमीटर पर आवर थी और उसके साथ वाटर वेव भी थी जो 9 मीटर हाई थी, मतलब 9 मीटर उससे, मतलब जो हाइट होती है वाटर वेव्स की, ठीक है। और जिसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, और बहुत सारी प्रॉपर्टी का भी इफेक्ट हुआ था, बहुत प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ था। और जो साइक्लोन था उसने एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब जब एक साइक्लोन आता है तो वो इतना स्ट्रांग आता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है वो बहुत दिनों तक नहीं आती है। तो आप इमेजिन कर सकते कि लोग कैसे अपनी तब लिविंग कर पाए होंगे इतने टफ टाइम में, ठीक है। सो आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा कि कैसे ये साइक्लोन वाला कैसा क्वेश्चन आ सकता है। और मैंने जैसे बताया इसमें इंपॉर्टेंट है डेट्स और स्पीड कितनी थी पहले वाले की, दूसरे वाले में क्या ऐसी नई चीज थी। पहली बात तो उसकी स्पीड फर्स्ट वाले से ज्यादा थी और उसकी जो वाटर वेव्स थी वो भी उसके साथ अकम्पनीड थी। तो ये तो ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस साइक्लोन ने क्या अफेक्ट करा था ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आई होप आपको ये वाला साइक्लोन वाला समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब आगे है टॉपिक आपका एयर एक्सर्ट्स प्रेशर।
तो बेसिकली इसको समझने के लिए आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, वो एक्टिविटी एक सिंपल बॉक्स में दी है, पर अब आप हायर क्लासेस में आ गए तो अब आपको ये एक्टिविटीज कुछ ऐसे वे में लिखनी है जैसे मैंने इसमें इलस्ट्रेट करी है। तो इसमें बेसिकली सबसे पहले आप लिखेंगे एम। एम का मतलब बेसिकली हमें किस मोटिव से हमें वो किस पॉइंट से हम वो एक्टिविटी बना रहे हैं, तो वो है टू स्टडी दैट एयर एग्जर्ट्स प्रेशर। तो अगर ऐसी मैं अभी बता रही हूँ कि जैसे कैसे कोई भी एक्टिविटी लिखेंगे, तो इसमें अगर जैसे अभी हमें एयर एग्जर्ट्स प्रेशर समझना है, जैसे कि हमें कुछ और समझना है, फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस, तो हम लिखेंगे टू स्टडी फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, तो वो हम कुछ ऐसे लिखेंगे। फिर सेकेंड पॉइंट होगा मटीरियल्स रिक्वायर्ड, कि क्या क्या मटीरियल पूरी एक्टिविटी में यूज हुआ है। तो जहाँ जहाँ आपको जो जो इम्पोर्टेंट लगता है, जैसे इसमें इस एक्टिविटी में यूज हुआ है टिन कैन विद लिड, वाटर, कैंडल फ्लेम, शैलो मेटालिक वेसल और सम फ्रेश वाटर यूज हुआ है। तो यही चीज आपको मटेरियल रिक्वायरमेंट लिखनी की क्या क्या चीजें यूज हुई है। फिर लिखना आपको मेथड, और जो आपका ये मेथड होगा इसको हमेशा आपको पॉइंट्स पे लिखना है, क्योंकि पॉइंट्स पे लिख के ये चीजें एक सिस्टमैटिक वे में लिखते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, टेक अ टिन कैन विद लिड एंड फिल इट अप्रोक्सीमेटली हाफ विद वाटर। तो सबसे पहले हमें एक कैन, टिन कैन लेना जिसकी लिड हो और उसमें आधा पानी अप्रोक्सीमेटली हमें डालना है, और फिर क्या करना है, दूसरा पॉइंट, हीट दैट कैन ऑन अ कैंडल फ्लेम टिल द वाटर बॉइल्स एंड लेट द वाटर बॉइल फॉर अ फ्यू मिनट्स। तो हम फिर उसे कैंडल फ्लेम पे रख के उसे उस वाटर को हमें बॉइल करना है। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, ब्लो आउट द कैंडल एंड इमीडिएटली पुट द लिड टाइटली ऑन द कैन एंड बी केयरफुल इन हैंडलिंग द हॉट कैन। सो फिर हमें क्या करना है, जो हमें कैंडल को बुझानी है, फिर हमें क्विकली मतलब बहुत जल्दी जो कैन की है वो लिड उसको उस पे उसको अच्छे से प्लेस कर देनी है, कैन की जो लिड है, और फिर हमें उसको जो हॉट कैन को फ्लेम से बहुत केयरफुली निकालना, क्योंकि जो कैन होता है उसको गर्म करके वो बहुत गर्म हो जाता है। और फोर्थ क्या, फिर पुट द कैन केयरफुली इन शैलो मेटालिक वेसल और अ वॉश बेसिन एंड पोर फ्रेश वाटर ओवर द कैन। तो इसके बाद हमें मेटालिक वेसल या किसी भी वॉश बेसिन में अगर हम जाएं और अगर उस पर हम थोड़ा सा उस पर फ्रेश वाटर डालना, फ्रेश वाटर यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, फ्रेश वाटर डालना है, और फिर हमें फिर आपका जो मेथड लिख लिया, फिर मेथड के बाद आपका इम्पोर्टेंट क्या, ऑब्जर्वेशन की क्या आपने ऑब्जर्व किया। तो उसमें क्या ऑब्जर्व हुआ, जो कैन होगा वो क्रश हो जाएगा, मतलब जैसे उसके अंदर गर्म पानी था जैसे आपने उस पर ठंडा डाला तो वो चीज क्रश हो गई। और इसका कंक्लूजन, मतलब कंक्लूजन क्या होता है कि हमने उससे क्या सीखा, क्या कंक्लूड होता है उससे, मतलब ये पूरी एक्टिविटी है उससे क्या रिजल्ट मिलता है, तो वो होता है इट शोज दैट एयर एग्जर्ट्स प्रेशर। तो वही चीज जो हेडिंग में लिखी है, तो वही देखने की जो कैन है उसमें जो एयर है उसको एग्जर्ट करके प्रेशर करा, ठीक है। सो यही ऐसे करके सिस्टमैटिक वे में आपको ये एक्टिविटीज इस चैप्टर में सबसे ज्यादा एक्टिविटीज है, तो वो कुछ अगर आप ऐसे वे में लिखेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे से मिलना इजीली मिल जाएंगे। और इस एक्टिविटी में स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये एक्टिविटी आपके एग्जाम्स में भी आती है, ठीक है। सो आई होप आपको ये वाला भी समझ में आ गया होगा, और ये एक्टिविटी समझ में आ गई होगी, और ये भी समझ में आ गया होगा कि अब एक्टिविटीज को लिखना कैसे, कैसे सिस्टमैटिक वे में कैसे पॉइंट्स करके लिखना है, ठीक है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। सो अब है हाई स्पीड विंड्स आर अकंपनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। सो इसमें क्या है, सो इसमें भी आपकी तीन एक्टिविटीज है जो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। सो इस तीन एक्टिविटीज का क्या है, और इस एक्टिविटीज जो तीन एक्टिविटीज है मैंने इसमें कंक्लूजन इसलिए नहीं डाला क्योंकि इन तीन एक्टिविटीज का जो कंक्लूजन है वो एक है, तो इसलिए हम वो उसको एंड में देखेंगे, ठीक है। सो इस एक्टिविटी में क्या है, हमें क्या स्टडी करना, हाई स्पीड विंड्स आर अकंपनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर, और हमें मटेरियल क्या चाहिए, वंस अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर एंड अ एम्प्टी बॉटल, और इसका मेथड क्या है, क्रम्पल अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर इनटू अ बॉल्स ऑफ अ साइज स्मॉलर देन अ माउथ ऑफ एन एम्प्टी बॉटल। सेकेंड, होल्ड द एम्प्टी बॉटल ऑन इट्स साइड एंड प्लेस द पेपर जस्ट इन साइड इट्स माउथ। नाउ ट्राई टू ब्लो ऑन द बॉल टू द फोर्स इनटू इट इनटू द बॉल। तो इसमें हमें पहले क्या करना है, एक पेपर का पीस लेना, उसको हमें बॉल में, छोटी सी बॉल में कन्वर्ट करना, और फिर एक एम्प्टी बॉटल लेना है जिसको कुछ हमें ऐसे टिल्ट करके रखना है, और उसके यहाँ पे एंड में ये पेपर रखना है, और फिर हमें क्या करना है कि उसको हमें ब्लो करना है। तो इसकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी कि दैट इट विल बी डिफिकल्ट टू फोर्स द पेपर बॉल इन टू द बॉटल, मतलब बहुत डिफिकल्टी होगी कि हम वो पेपर को बॉटल के अंदर डालेंगे, क्योंकि वो बॉटल
जो पेपर है वो बॉटल के अंदर इजीली नहीं जाएगी, बहुत डिफिकल्टी आएगी। ठीक है, सो आई होप आपको वाली भी एक्टिविटी समझ में आ गई होगी, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सो अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी में जाते हैं, जो एक्टिविटी नंबर टू है इसी से रिलेटेड। सो एक्टिविटी नंबर टू है आपकी, इसमें भी एम वैसी करके लिखना जैसे मैंने बताया था। टू स्टडी वही चीज है, हाई स्पीड रन्स आर अकॉम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। मटेरियल रिक्वायर्ड हमें चाहिए टू बलून्स, वाटर, स्ट्रिंग, साइकिल स्पोक और स्टिक। साइकिल स्पोक बेसिकली अगर आपने साइकिल का टायर देखा तो उसमें जो वो बीच बीच में लाइंस बहुत सारी होती है वो साइकिल का स्पोक माना जाता है। ठीक है, तो मेथड क्या है इसमें, टेक टू बलून्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली इक्वल साइज, पुट अ लिटिल वाटर इनटू द बलून्स। सेकंड, ब्लो अप बोथ द बलून्स एंड टाई ईच वन टू अ स्ट्रिंग। थर्ड, हैंग द बलून्स 8 to 10 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन अ साइकिल स्पोक और अ स्टिक। फोर्थ, ब्लो इन अ स्पेस बिटवीन द बलून्स। तो इसमें हमें पहले क्या करना है कि हमें दो सेम साइज के बलून्स चाहिए जिसमें हमें थोड़ा हल्का हल्का पानी डालना ताकि वो उड़े ना, थोड़ा उनका वेट रहे। और सेकंड क्या करना है, फिर हमें दोनों बलून्स को एक जो स्ट्रिंग होती है उसके कोने कोने पे साइड साइड पे बांधना है, और फिर जो उस बलून को है हमें 8 to 10 सेंटीमीटर दूर एक स्टिक पे मतलब हैंग करना है, मतलब लटकाना है उसको 8 to 10 सेंटीमीटर अपार्ट। और फिर फोर्थ क्या है कि हमें उन दोनों के बीच में बलून्स में ब्लो करनी है एयर यूजिंग अ माउथ। तो इसकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, व्हेन यू ब्लू बिटवीन द बलून्स दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर। दिस कुड हैपन इफ द प्रेशर ऑफ एयर बिटवीन द बलून वाज समहाउ रिड्यूस्ड एंड द प्रेशर आउटसाइड द बलून्स वुड पुश देम टुवर्ड्स ईच अदर। सो इसमें क्या है बोला गया है, तो ऑब्जर्वेशन क्या होगी, जब हम उन दोनों बलून्स के बीच में ब्लू करेंगे तो वो दोनों एक दूसरे के मतलब थोड़ा टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब वो दोनों एक दूसरे के पास आ जाएंगे, मतलब उसका जो डिस्टेंस होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा दोनों बलून्स के बीच में। और ये तभी हो सकता है जब जो प्रेशर है एयर का, जो दोनों बलून्स के बीच में जो प्रेशर है वो कैसे करके हमने रिड्यूस कर दिया, और जो ये रिड्यूस्ड प्रेशर है, इस जो रिड्यूस्ड प्रेशर है एयर का, इसी की वजह से जो बलून है वो एक दूसरे की पास आ सके। ठीक है, सो आई होप आपको ये वाली भी एक्टिविटी थ्री भी समझ में आ रही है। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है कि क्यों जो दो बलून है वो एक दूसरे के टुवर्ड्स ईच अदर कैसे मूव करते हैं, क्योंकि जो प्रेशर जो उन दोनों के बलून के बीच में जो प्रेशर होता है वो समाव हमने कम कर दिया। ठीक है, सो आई होप आपको ये वाला भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब एक्टिविटी नंबर थ्री है कि वही चीज है, टू स्टडी द हाई स्पीड स्प्रिंग्स आर अकॉम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। तो मटेरियल रिक्वायर्ड क्या है, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर पेपर स्ट्रिप। और मेथड क्या है इसका, होल्ड अ स्ट्रिप ऑफ पेपर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर वाइड बिटवीन योर थंब एंड फोर फिंगर आर शोन इन द पिक्चर। सो ये पिक्चर है, कुछ ऐसे इसमें करना है, एंड नाउ ब्लो ओवर द पेपर। तो अब हमें उसको ब्लो करना है, तो ऑब्जर्वेशन क्या होगी, वी सॉ दैट व्हेन यू ब्लो ओवर द पेपर स्ट्रिप इट वेंट अपवर्ड्स। अगेन दिस कुड हैपन इफ द ब्लोइंग ओवर द पेपर रिड्यूस द एयर प्रेशर अबव द स्ट्रिप। सो ये पेपर बेसिकली अगर हम इस पे ब्लो करेंगे तो वो कुछ ऐसा शेप, मतलब वो वेवी शेप में, मतलब क्या कह सकते हैं कि हम वो वेवी शेप से वो ऊपर चला जाएगा, मतलब थोड़ा उसकी जो लेवल है, जैसे वो नीचे था तो उसका लेवल थोड़ा हाई हो जाएगा। और ये तभी हो सकता है जब जो एयर का प्रेशर है वो रिड्यूस हो गया हो अबव द स्ट्रिप। ठीक है, सो अगर इसके ऊपर जो एयर प्रेशर है, जैसे हमने यहाँ से प्रेशर लगाया तो यहाँ का प्रेशर कम हो गया, तो इसलिए ये जो प्रेशर था वो हायर करके इसका जो जो लेवल है उसने उसको इंक्रीज कर दिया। ठीक है, सो आई होप आपको ये वाली भी एक्टिविटी समझ में आ गई होगी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। सो अब हम इन तीनों एक्टिविटीज का जो हमने करी उसका कंक्लूजन देखते हैं। सो इस तीनों एक्टिविटी का जो कंक्लूजन है वो है, We see in all the activities that the increased wind speed is indeed accompanied by a reduced air pressure. When air moves, it is called wind, and air moves from the region where the air pressure is high to the region where the pressure is low. The greater the difference in pressure, the faster the air moves. तो इन सब इन तीनों एक्टिविटीज जो हमने करी थी, इन सब का कंक्लूजन यही है कि जो विंड स्पीड है वो ऑब्वियसली हमेशा अकम्पनीड होगी रिड्यूस्ड एयर प्रेशर से, और इसी जो मूविंग एयर होती है इसको हम कहते हैं विंड,
और जो एयर मूव तभी करती है जहाँ पे जो एयर प्रेशर है वो हाई हो, और टू दी मतलब फ्रॉम मतलब जो एयर मूव करती है एक हाई प्रेशर से एक लो प्रेशर के उसमें ट्रैवल करती है, मतलब मूव करती है उसमें। और जितना ज्यादा जो ये डिफरेंस होगा प्रेशर का, उतना ज्यादा जो एयर है वो तेज मूव करेगी। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, द ग्रेटर द डिफरेंस इन द प्रेशर द फास्टर द एयर मूव। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड एयर। तो इसका यही होगा कि द ग्रेटर द डिफरेंस इन प्रेशर द फास्टर द एयर मूव्स। तो जैसे कि हमने स्ट्रिप वाला क्वेश्चन देखा था, एक्टिविटी देखी थी हमने, कि उसमें जैसी जब तक वो ब्लू नहीं कर रहा था, जो एयर प्रेशर था वो स्ट्रिप के नीचे था, और जैसे उसने ब्लू करे जो एयर प्रेशर स्ट्रिप के नीचे था वो और इंक्रीज होके वो उसके ऊपर वाला जो एयर प्रेशर था उसको रिड्यूस कर दिया। ठीक है, सो आई होप आपको ये तीनों एक्टिविटीज अच्छे से समझ में आ गई होगी, और जैसे मैंने बताया कि कैसे एक्टिविटीज को लिखना चाहिए ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके, सो आपको आई होप वो भी समझ में आ गया होगा। सो आज के लिए बस इतना ही, आज हमने दो टॉपिक्स कवर करे हैं, एक तो एयर प्रेशर वाला, और हमने एक और करा कि कैसे अकम्पनीड करती है एयर विद प्रेशर, और हमने उसमें तीन एक्टिविटीज देखी है। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी हिट करना मत भूलिएगा, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आंसर कर दूंगी। सो आप एक बार फिर से ये एक्टिविटीज पढ़ लीजिएगा और एक बार फिर से देखिएगा कि कैसे इसको किस मैनर से ये सारी एक्टिविटीज लिखनी है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।